जब से आपने इसका बेटी के ससुराल में रहने में समर्थन दिया, तब से मेरी माँ ने दुनिया का तो भेजा भाड़ में, और खुद अपनी मनमर्जी से अपनी नई बेशर्मी से भरी जिंदगी जीने के लिए निकल पड़ी। अब ये आपकी प्रीति बिंदड़ी नहीं है, अब ये है मिसेस प्रीति जिंदल। आज की तड़कती फड़कती बिजनेस वुमेन हो गई है ये। ऑफिस से घर तक के सफर में तेरा ये रंग बिरंगा नया रूप दुनिया देख चुकी है, अब क्या छुपाने जा रही है तू? तेरे चेहरे पे लगा ये मेकअप कलंक बन के पूरे मोहल्ले के सामने आ चुका है। बकवास बंद कर तरुण, तूने कभी अपनी बीवी से नहीं पूछा होगा कि वो क्यों मेकअप करके ऑफिस जाती है? बुआ दादी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही जिससे घर की इज्जत पे आंच आए, वो तो बस अपना काम कर रही। दादी साहब, काम के नाम पे ही तो सब शुरू हुआ। मम्मी जी ने भले ही हमें पराया कर दिया हो, लेकिन दादी साहब, हमने मम्मी जी को कभी अपने आप से दूर नहीं किया। अगर ये काम करना चाहती तो हम इन्हें कभी नहीं रोकते। मम्मी जी की खुशी के लिए हम दुनिया भर के ताने सुन के बर्दाश्त कर लेते, लेकिन आप क्या आप बर्दाश्त कर पाते कि आपके गांव बिरादरी में लोग आपकी बहू का नाम लेकर आपकी इज्जत हवा में उछालते फिरे? मम्मी जी ने इतने साल एक तपस्या सी की है अपने घर का मान बचाए रखने के लिए, वो मान वो इज्जत सब भूल जाते लोग, आपके मुंह पे आके आपको ताना देते और हंसते कि देखो इनकी बहू इस उम्र में गुलछर्रे उड़ा रही है। मांग में सिंदूर की कमी होठों और गालों की लाली से पूरी कर रही है। चलिए माना माना कि मम्मी जी की खुशी के लिए हम सब पूरी दुनिया के ताने झेल लें, पर इस उम्र में इनकी तबीयत को कुछ हो जाए तो हम तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, और ना आप अपने आप को कि समय रहते कुछ कहा क्यों नहीं, इन्हें रोका क्यों नहीं। थारी बात सोलाना सही है बीनड़ी, प्रीति बीनड़ी, जब तू ब्याह करके घर आई थी ना, तो घर की देवड़ी पर थारी आरती मैंने ही उतारी थी, और उसी पल थारा और मारा रिश्ता एक डोर से बंध गया, और आज तक तूने भी उसे पूरे दिल से निभाया है, और बीनड़ी मैंने भी थारे को बीनड़ी से ज्यादा बेटी माना है, और आज आज उसी मन से थारे लिए साड़ी लेकर आई। पता है हमारे गांव में बीनड़ी सुगढ़ है कि कुलचनी है, इस बात की तुलना थारे से हो गई। एक आदर्श लुगाई बीनड़ी माँ सब कुछ बनकर रही तू, आज तक थारा कदम जद भी उठा है ना, तो सदा परिवार और कुटुंब के भलाई के लिए सबकी सुनी सबके मन की इज्जत की, पर कदे ही घर के बाहर की दुनिया नहीं झांकी तूने। अगर आज भी थारी नजर में मां लोगा की वही इज्जत है ना, तो छोड़ दे जे काम धाम, मौका ना दे दुनिया ने थारी जिसी सत वाली लुगाई पर उंगली उठाने को, रे छोड़ दे जे बिजनेस बिजनेस। नहीं नहीं बुआ दादी, आपकी इज्जत में आपने मुझसे बहुत थोड़ा मांगा है, आप दोनों मेरे लिए माता पिता के समान हैं, आपके मान सम्मान के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आज भी आपकी बात का मान मैं जरूर रखूंगी। ये तो बता दिया कि
मैंने काम शुरू कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि मैं काम क्यों करना चाहती हूँ। क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा। मेरे लिए इसलिए काम करना जरूरी है ताकि मैं दो पैसे कमा सकूं, इज्जत से सर उठाकर जी सकूं, जिंदगी भर जो नहीं मिला वो पा सकूं। क्या नहीं मिला तुझे? हैं? तुझे अपनी मनमानी करनी है ना? आत्मसम्मान चाहिए मुझे। बच्चे नहीं है यहाँ सब, ये लिपस्टिक पाउडर खुले बाल, ये आत्मसम्मान नहीं अपनी मनमर्जी करना कहलाता है। जब मन चाहे घर आओ, जब मन चाहे घर से चले जाओ, कोई रोक टोक नहीं, यही चाहिए ना तुझे? यही चाहिए ना? यही है ना तेरा आत्मसम्मान? नहीं, आत्मसम्मान का एक ही मतलब है, अपने पैरों पर खड़ा होना, किसी के आगे हाथ ना फैलाना, किसी पर निर्भर ना होना। बुआसा, मैं पैसे कमा के देखना चाहती हूँ ताकि मेरा बेटा कभी दोबारा मुझसे ये ना कह सके कि तुझे पैसे खर्चने आते हैं पर उसे कमाने के लिए कितनी मेहनत लगती है ये नहीं जानती तू। मैं पैसे कमाना चाहती हूँ ताकि मेरा बेटा मुझसे ये ना कह सके कि 20,000 में कितने जीरो होते हैं वो नहीं जानती तू, ताकि मेरा बेटा मुझे ये कहकर ना घर से निकाल दे कि ये तेरा घर नहीं है क्योंकि इसकी किश्तें तू नहीं देती। मेहनत करके अपने लिए छोटा सा नाम कमाना चाहती ताकि मेरा बेटा मुझसे ये ना कह सके कि तेरा क्या नाम है, क्या सम्मान है, कौन जानता है तुझे, क्या पहचान है तेरी। मम्मी जी, आपने तो आज थोड़ा दिल सा तोड़ दिया। मतलब मेरे दिमाग में आपकी एक इमेज सी थी, देवी माँ जैसी, वो आपने तोड़ सी थी मम्मी जी। मतलब इतनी नफरत करती हैं आप अपने बेटे से कि उससे बदला लेने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए आप जॉब वॉब तक चली गई। अरुण को हरा के आप कौन सा मेडल पालेंगी? जिस दिन तुम्हारी गोद भरेगी ना, उस दिन शायद तुम समझोगे रति कि कोई भी माँ अपने बच्चों से कभी नफरत नहीं कर सकती। बच्चों की हार में नहीं, उनकी जीत में ही माँ की जीत होती है। माँ का मेडल तो एक ही होता है, अपने बच्चों की आंखों में उसके लिए प्यार और सम्मान देखना। लेकिन उसके बदले बेटे की आंखों में जब तिरस्कार और अपमान दिखे तो आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ना जरूरी हो जाता है। जब बेटा माँ को इज्जत की नजर से ना देखे, उसे एक बेकार वस्तु समझे, तो माँ के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो बेटे की नजर को बदले। मेरी ये लड़ाई तरुण से नहीं है, मेरी अपनी है, मेरे सम्मान की है। वासा, हाँ मैं रह रही हूँ अपने बेटे के ससुराल, जानती हूँ बेटे के घर का पानी पीना भी पाप है, लेकिन बेटे के घर में अपमान का जहर कब तक पीती मैं? बेटी के घर में मुझे अपनापन मिला, सम्मान मिला, कुसुम जी जैसी सहेली मिली, शर्म में तो मैं भी थी कि कैसे रहूंगी इस घर में, लेकिन डांट कर मेरी शर्म तुड़वाई गई। वो ऐसा इस घर ने मुझसे ऐसा रिश्ता जोड़ा कि मुझे अपने परिवार का हिस्सा ही बना लिया।
शादी के बाद सबने मुझे चाची मामी भाभी सब बनाया, लेकिन कुसुम जी ने मुझे अपनी सहेली बनाया, एक अटूट रिश्ते से बांध लिया। अब तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी इस परिवार के लिए कुछ करूं, इनके सुख दुख में काम आऊं, रीति रिवाज में इन्हें कुछ तोहफा दूं। जूही सुमित की कल औलाद होगी, उसके पैरों में चांदी की पायजेब या कड़ा पहनाने के लिए भी क्या मैं डर डर के हाथ फैलाऊं? भगवान के मंदिर में तो पैसे चढ़ा, दान पुण्य करो, पर कहाँ है पैसे? अपने ही परिवार में शादी ब्याह होंगे और 10 बातें होंगी, तब खाली हाथ कैसे कोई नेक करेगी ये चाची मामी भाभी? अपने नाम एक घर था जो नहीं बचा, हाथ के पैसे तो अपनों पर लुटा दिए, लेकिन अपने हाथ पर सलामत है, हिम्मत है, तो क्यों नहीं काम करके मैं कुछ पैसे कमाऊं, किसी पर बोझ ना हूं। आपकी एक बात याद है बुआ साहब, पल्लू में बंधे पैसों की गांठ का वजन तो सम्मान भी तोले, फिर मैं अपनी गांठ खाली कैसे रहने दूं? जरूरत के बच्चे काम है उनका पढ़प्पन, लेकिन कोई दया और सहारे पर जिंदगी भर सर उठाकर नहीं जी सकता। दो दिन केटी जी के साथ क्या रह ली तू? बड़े बड़े डायलॉग सीख गई, लेकिन असल जिंदगी में ये काम नहीं आते। काम करने का मतलब भिंडी के भाव में 5 रुपए तोड़वा कर लाना नहीं होता। पैसे कमाने का मतलब चूल्हे पे रोटी सेकने जैसा नहीं है, चिचिमटा लगाया और हाथ बचा लिया आग से। खुद को झुलसना पड़ता है मेहनत की आग में पैसा कमाने के लिए। 4 शादियां क्या कर ली तुझे, लगता है इतनी बड़ी कंपनी चला लेगी? अपने घर में कुछ भी गलती हो जाए ना, कुछ भी उचरीच हो जाए तो कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन बाहर लोग पैसा देते हैं, और अगर शादी में एक छोटी सी भी गलती हो गई ना तो सीधा केस कर देता कोर्ट में। उम्र तो देख अपनी, आज तक सिर्फ हाउसवाइफ रही है, और आज तुझे लगता है कि दुनिया के आगे तो कुछ भी कर लेगी, सिर्फ मजाक बनवाएगी अपना। तू हाउसवाइफ थी, हाउसवाइफ है और हाउसवाइफ ही रहेगी। हाउसवाइफ थी, हाउसवाइफ है और हाउसवाइफ ही रहेगी। किया क्या है तूने आज तक? आता क्या है तुझे? हाँ, कुछ ना किया, कुछ ना सीखा थारी माँ ने। मैं भी कहूँ कुछ ना सीखा, सीखना चाहिए था, अपना हाथ चलाना सीखना चाहिए था। थारे सामने ना हाथ उठा के 3-4 खेच के थारे छपेड़ मारते, जमीन पे गिरता लोटा पर ठिकाने आ जाती थारी। राम जी के घोड़े संसार के सबसे बड़े निगोड़े, बहुत बातें करन लग गया ना तू, अंड सा पड़ा होके खड़ा है ना सामने, ये सब इस हाउस वाइफ की बदौलत। ये जो भैंस की तरह थारी लंबी जबान है ना, जो नाक तक पहुंचे कंटीली लंबी जबान, जो तू इसके आगे चलाए, ये भी इसी की बदौलत। ये जो तू तन के सवाल कर रहा है ना, इतने सारे हाउस वाइफ, ये सब इसकी बदौलत। कहे पूछ रहा था तू अपनी माँ से हाउस वाइफ बता के हुए हाउस वाइफ तू जाने? ए लाड़िया सामने तू भी सुन, मैं थारे बताऊ हाउस वाइफ के हुए। हाउस वाइफ वो होवे जो साल के 365 दिन 12 महीने 7 दिन 24 घंटे अपने पूरे परिवार की फिक्र करे, चिंता करे उनकी। हाउस वाइफ वो होवे जो अपने परिवार की रक्षा करे, उनका पालन पोषण देखे, उन्हें सुख दे, सुविधा दे, वो होवे हाउस वाइफ। ये होवे हाउस वाइफ की सीवी में। कहां है बुआ सा, हमारे देश की औरतें तो एक दिन में बीमार पड़ने से डरे, उन्हें लगे कि हाँ हमारा तो पूरा परिवार डह के गिर जाएगा, सारे परिवार का बोझ होवे ना उनके कंधों पे। कहाँ होगा परिवार का,
छोरे जे हुए हाउस में और इतना सब त्याग करने के ना तो पैसे ना मांगे तनखा ना मांगे जे मांग लग जाए ना छोरे करोड़ों में खेले। माँ कदे ना मांगे पैसे, वो सिर्फ इतना चाहे कि बस थोड़ा सा सम्मान मिल जाए, थोड़ी इज्जत मिल जाए, हमारे घर में वो स्थान पड़े जो तूने अपनी माँ को कदे नहीं दिया। मैं भी हूँ हाउसवाइफ, बहुत तन के बहुत घमंड से कहूँ मैं हूँ हाउसवाइफ, पर मारे बच्चों ने मारी पूरी इज्जत की, मारे को मान सम्मान दिया, मारे घर में वो स्थान दिया, इसीलिए मारे को कहीं बाहर जाके सम्मान ढूंढने की जरूरत ना पड़ी। मारे बच्चों ने मारे को इस घर में धरती माँ की इज्जत दी, जो पेड़ बन के सामने खड़ा है ना, अरे हर पेड़ समझे कि वो बहुत बलवान है, ऊंचा लंबा है चौड़ा है बड़ा फलदार है, सबको छाया दे, वो जे भूल जाए कि वो धरती पे खड़ा है, ये धरती ना रहेगी तो उसकी जड़ें कहाँ जाएंगी, किसको पकड़ के तन के खड़ा रहेगा। जिस घर के बेटी बेटियों ने अपनी माँ को वो इज्जत दी, उनको बाहर जाके सम्मान ढूंढने की जरूरत ना पड़ी। तूने अपनी माँ को ये सम्मान कभी नहीं दिया, तो तेरी माँ गई है बाहर अपना आत्मसम्मान खोजने के लिए। जिसकी चमक तू ना पहचान सके, कदे सोचा है तूने जब इतने सारे परिवार को साथ लेके इंजन की तरह आगे बढ़े तो अपनी कंपनी कैसे ना चलाए, अपना बिजनेस जरूर चलाएगी। मैं थारे को दावे से कह सकती हूँ थारी माँ अपना बिजनेस चमकदार चलाएगी। अठे मैं खड़ी होके ताली बजाऊंगी और तू उठे वहां खड़े होके ना अपना माथा पीटना जा। अच्छा तो ये बिजनेस करके पैसा और आत्मसम्मान कमाएगी, माँ है ये मेरी, मैं अच्छे से जानता हूँ इसे, और ये फेल होगी ये बात की गारंटी मैं देता हूँ आपको। ए मारे सामने उंगली नीचे करके आंख नीचे करके बात कर। जबान नीचे, मेरे बोल में थारी बात सुनो। और इसको क्या होने वाला है, ये तो जिंदगी भर हाउस वाइफ बन के रही है ना, फेल होने पर फिर से घर में जाके बैठ जाएगी। लेकिन दुनिया के सामने शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप कुछ भी करे भुगतना तो बच्चों को पड़ता है। सुनो नई बात, 25 साल में मैंने तुझे कभी शर्मिंदा नहीं किया तरुण, सिवाय प्यार के कुछ नहीं दिया, थोड़ा तो भरोसा करके देख। इसके आगे भीख मांगेगी? बुआसा एक मौका दीजिए, बुआसा आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगी, अपनी प्रीति बिंदड़ी पर इतना तो भरोसा कर ही सकती है ना। बोलो प्रीति भी। दिया दिया एक मौका, 25 साल की तेरी परवरिश के बदले तेरी जिद को सही साबित करने के लिए मैं तुझे 25 दिन देने के लिए तैयार हूं। कर जो कर सकती है, लेकिन एक शर्त है, मिसेस प्रीति जिंदल बनकर नहीं, शादी मुबारक की प्रीति बनकर। जा दिए तुझे 25 दिन, जो सम्मान तुझे पापा की बीवी बनके हमारे परिवार की बहू बनके मिला वही सम्मान इस काम से कमा के दिखा। जा दिए तुझे 25 दिन। हम हमेशा कहते हैं ना कि चार लोग क्या कहेंगे, तो कुछ ऐसा करके दिखा कि कोई भी अनजान चार लोग खड़े होकर कहे कि वाह शादी मुबारक की प्रीति ने कमाल कर दिया। जा दिए तुझे 25 दिन। शादी मुबारक की प्रीति और उसकी कंपनी में कोई बात है, उस दिन मैं मानूंगा कि तू है बिजनेस वुमन कहलाने के लायक। जा दिए तुझे 25 दिन। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।